हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ बेबी सॉक्स, जिसे बनाने के लिए देखिए मैंने दो कलर की बुल ली है और 10 नंबर सलाई ली हुई है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें फंदे डालूंगी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से मैं ऐसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये देखिए इसी तरीके से मैं यहाँ पे 38 फंदे डालूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे 38 फंदे डाल लिए हैं, 38 फंदे। आप देखिए यहाँ पे मैं बॉर्डर बनाऊंगी। तो ये देखिए एक फंदा सीधा बुल को अपने तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा वापस बुल पीछे, एक फंदा सीधा बुल अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। ये देखिए इस तरीके से ये दोनों तरफ से हम ऐसे ही इसको बुनेंगे, एक फंदा उल्टा और एक सीधा। इस तरह से यहाँ पे मैं 24 रो बनाऊंगी, 24 रो बना के मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे मैंने 24 रो बना ली हैं। इस तरह से बॉर्डर बन के कम्प्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं 9 नंबर सलाई लगाऊंगी। 10 नंबर से मैंने ये बनाया है बॉर्डर। तो देखिए यहाँ से मैं सेकंड कलर अटैच करूंगी और यहाँ से सलाइयाँ भी चेंज कर लूंगी। ऐसे यहाँ पे ये नॉट लगा ली मैंने। आप देखिए यहाँ पे मैं ये 9 नंबर की सलाई लगा रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे मैं डिजाइन डालूंगी। तो एक फंदा उल्टा बुल को पीछे करेंगे, जो सीधा फंदा है उसको हम एक रो नीचे से बुनेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरीके से वापस बुल को अपने तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुल को पीछे, एक रो नीचे से ऐसे। ये देखिए एक फंदा उल्टा बुल को पीछे। ये देखिए वैसे यहाँ से बुनते हैं, यहाँ से ना बुन के यहाँ से बुनेंगे, एक रो नीचे से इसको इस तरीके से। सीधे वाले को एक रो नीचे से उल्टा सिंपल बुनना है। ये देखिए ऐसे ही ये रो कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए लास्ट तक मैंने इसको बना लिया, पलट लेंगे। आप देखिए यहाँ पे उल्टा फंदा जो इधर से दिख रहा है उसको हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। अब बुल को इधर करेंगे और देखिए इस वाले को सीधे फंदे को एक रो नीचे से, जैसे मैंने सीधे तरफ से बुना वैसे ही उल्टे तरफ से उल्टा उल्टा बना लिया, सीधा वाला एक रो नीचे से। ये देखिए बुल को अपने तरफ करके पे ऐसे बनाते हुए इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। सीधा फंदा जो है उसको हम एक रो नीचे से बुनेंगे। ये देखिए उल्टा सिंपल उल्टा बनाना है। ये देखिए इधर से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली। आप देखिए फिर से मैं सीधे साइड आ गई हूँ, तो जो उल्टा फंदा है उसको हम उल्टा ही बुनेंगे, बुल को पीछे करेंगे, अब सीधा वाला एक रो नीचे से बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए ऐसे वापस बुल अपने तरफ इस तरीके से ऐसे। ये देखिए अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे 16 से 18 के बीच में रो बनाऊंगी। तो मैं बना लेती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे 16 रो बना के कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए यहाँ से उल्टे तरफ से ये फंदे मैं बंद करूंगी। तो देखिए ऐसे दो का एक करते हुए इसको बंद करना है और देखिए यहाँ पे मीडियम इसको बंद करना है, ज्यादा खींच के नहीं है इसको करना इस तरीके से। सभी फंदे मैं ऐसे ही क्लोज करूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने सभी फंदे क्लोज कर दिए हैं। अब देखिए मैं इसको सिलूंगी। तो देखिए जो उल्टा यहाँ से मैंने धागा लगाया है उसको मैं ऐसे ऊपर की साइड रखूंगी अभी, और देखिए यहाँ से लेके ऐसे पूरा यहाँ तक सिल के कंप्लीट करूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं ग्रे कलर से पहले सिल रही हूँ,
ये देखिए यहाँ तक, जहाँ तक ये ग्रे कलर लगा हुआ है वहाँ तक मैं इसी से सिलूंगी। आप देखिए यहाँ पे मैं इसको पक्का कर दूंगी और इस धागे को कट करूंगी, आगे मैं फ्रोजी कलर से सिलूंगी। आप देखिए यहाँ से मैं फ्रोजी कलर से सिलूंगी। ये देखिए यहाँ तक सिल के कंप्लीट करती हूँ इस तरह से।